मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि कैसे हम अकाउंट खोलने वाला जो फॉर्म होता है सीएसपी के लिए उसको कैसे हम फिल करते हैं यानी कि भरते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो न्यू बीसीएस स्पेशल उनके लिए है ये वीडियो। अगर हम यहाँ पे अगर हम अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पे इनरोलमेंट में जाते हैं और केवाईसी करने के बाद ये सब कुछ फिल कर लेने के बाद ये पूरा जो फॉर्म होता है ये फॉर्म फिल करने के बाद यहाँ पे जो अपलोड सिग्नेचर कर लिखा रहता है यहाँ पे हम फोटो और सिग्नेचर एक साथ कैसे अपलोड करेंगे, तो इसी बारे में ये वीडियो मैंने बनाई है। तो आप इसको देखते रहिए, मैं आपको बताऊँगा कि फ़ोटो और सिग्नेचर एक साथ कैसे अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर जो अपलोड करने का साइज होता है वो भी थोड़ा सा कम होता है, उसके बारे में भी मैं बात करूँगा। और जो फोटो अपलोड करने का सिस्टम होता है यानी कि ये देखिए चूज फाइल हम अगर हम करेंगे और हमारे पास यहाँ पे एक स्कैन है, ये देखिए ये मैं एक आपको स्कैन दिखा रहा हूँ, सिग्नेचर और फोटो एक साथ है। अगर इसको हम यहाँ पर ओपन करके इसमें अपलोड करेंगे तो ये अपलोड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे लिख रहा है 20 KB से ज़्यादा का फाइल नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इस फाइल को यहाँ जैसे मेरा ये फाइल जो है यहाँ पे डेस्कटॉप पर रखा हुआ है, इसको हम यहाँ से राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद एडिट पर जाएंगे और एडिट करने के बाद यहाँ पर ये देखिए यहाँ नीचे आएंगे और यहाँ सिलेक्शन में जाएंगे, उसके बाद रेक्टेंगल सिलेक्शन करेंगे और यहाँ से हम एक एरो ये पकड़ेंगे और इस तरह ये फोटो और सिग्नेचर एक साथ यहाँ से कट कर लेंगे। ये देखिए हमने यहाँ से कट कर लिया ये फोटो और सिग्नेचर, लेकिन अगर हम यहाँ पे सेव करते हैं तो इसका साइज 295 KB है, लेकिन हमें ये साइज 20 KB का ही चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल सा रिसाइज में जाएंगे और रिसाइज में जाने के बाद ये बाई डिफॉल्ट परसेंटेज पे रहता है, इसको हम यहाँ पिक्सल पे करेंगे और पिक्सल पे करने के बाद यहाँ पे अक्सर 250 करने के बाद ये 20 KB के अंदर में आ जाता है। तो देखते हैं कि 20 KB के अंदर में आता है या नहीं। तो हम यहाँ पे ओके करेंगे और ये फोटो छोटा हो गया। उसके बाद हम स्पेस यहाँ पे अभी भी ये देखें 295 KB दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही सेव करेंगे तो ये देखिए 18 KB का हो चुका है, यानी कि अब ये अपलोड होने के लिए रेडी है। तो इसको हम यहाँ पे सेव कर देंगे और उसके बाद कट करेंगे और कट करने के बाद ये रही हमारी फाइल। इसको अब हम यहाँ पर अपलोड करके आपको दिखाते हैं। ये देखें चूज फाइल और उसके बाद ये वाली फाइल है हमारी, इसको अब हम अपलोड करते हैं। तो ये देखिए सिंपल सा यहाँ पे अपलोड हो चुका है और यहाँ पे दिखा भी रहा है कि अपलोड हो चुका है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा घबराना नहीं है। अगर जो न्यू वाले बीसी हैं वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि यहाँ पे अपलोड सिग्नेचर यहाँ पर लिखा हुआ है तो फोटो और सिग्नेचर दोनों एक साथ कैसे अपलोड करेंगे। तो मैंने जैसे कि आपको यहाँ पे बताया कि इस तरह से आप इसको ये जो फोटो है आप स्कैन करेंगे, पहले आप फॉर्म भरेंगे। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था फॉर्म भरना, आप वहाँ से फॉर्म भरना सीखेंगे और आप फॉर्म भरेंगे और फॉर्म भरने के बाद आप इसको यहाँ से कट करेंगे और कट करने के बाद इसका साइज छोटा करेंगे और साइज छोटा करने के बाद आप यहाँ पर सिंपल सा अपलोड कर सकते हैं। ये देखिए ये अपलोड हो चुका है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था।